डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। हम गांवों की परिस्थिति की ओर ध्यान दें, लोगों से विचार विमर्श करने के लिए जब समिति के लोगों का एक दल गांव पहुंचा, तो यह पता लगा कि शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। अतः पढ़ने लिखने के बाद खेती करने के बजाय शहरों में नौकरी करना ही अच्छा है। लोगों का अभी भी यही दृष्टिकोण है कि यदि खेती बाड़ी ही करनी है तो इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में बर्बाद करने से क्या लाभ है। शिक्षा का उद्देश्य अभी तक लोगों के मन में नौकरी प्राप्त करना ही है, यही सोचकर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। सदन के सामने कई बातें कई दिनों से लगातार कई लोगों द्वारा कही गई है, लेकिन उन बातों में एक ही चीज़ कई बार दोहराई जा रही थी कि एक ही प्रांत में नहीं, एक ही क्षेत्र में नहीं, वरन हर एक क्षेत्र में बराबर प्रगति होनी चाहिए। यदि किसी एक क्षेत्र में कई सुविधाएं लोगों को दी जाए और दूसरे क्षेत्र में नहीं, तो इससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता है और कई तरह से लोग सरकार पर आक्षेप करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ही जगह से जब योजना सभी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है तो एक एक बात पर गौर किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में कई तरह से विषमता हो सकती है, उनको दूर करने की कई तरीके भी हो सकते हैं। यदि एक तरीके से ही उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा तो संभव है वह प्रयास असफल हो जाएगा। यदि एक तरह की बात सभी क्षेत्रों पर लागू होती है तो उस क्षेत्र के लिए एक ही प्रकार से योजना बन सकती है। एक ही चीज़ सब क्षेत्रों पर लागू न होने से कई बार कई मामलों में इस प्रकार का भेदभाव पनपने लगता है, जिसको दूर करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। एक न एक प्रांत एक न एक रोज इस विषमता का शिकार होता है। एक एक चीज के ऊपर विचार करने के बाद ही पता लगता है कि किस बात में किस प्रांत में कमी है। कई प्रांतों के बारे में कई कई दिन से बहस में एक न एक प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह माल के ले जाने में कई प्रकार का झगड़ा रहता है। एक ही जगह से यदि माल एक ही प्रांत के अंदर जाता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जाता है तो उसके लिए कई बार दूसरे प्रांत से कई तरह की आपत्तियां उठाई जाती है, जिनको दूर किए बिना आवागमन संभव नहीं हो सकता। कई दिनों से कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कही। कई प्रकार के लोग हमारे प्रांतों के अंदर रहते हैं, कई मामलों में उनमें भिन्नता होती है, कई बातों में उनमें समानता भी होती है। एक बार यदि उन मामलों को आपस में सुलझा लिया जाए तो हर तरह से उन सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हर किसी का यही कहना है कि हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है। यदि एक तरह से हम सारे देश की समस्याओं पर विचार करें तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन क्षेत्रीय समस्याओं को आसानी से सुलझा सकेंगे। एक क्षेत्र में यदि कोई अच्छा काम होता है तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, आखिर वे लोग भी तो हमारे ही भाई बहन हैं। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पैडवाइज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए 150 का, तो इसमें चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब डिक्टेशन मिल जाएगा।